oh जुलाई 2024 भारत में सोमवार है टुडे इज़ फर्स्ट जुलाई 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज की साकार मुरली में स्वयं भगवान गारंटी दे रहा है कौन सी गारंटी दे रहा है तो भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे याद करेंगे तो बिगर सजा खाए मेरे घर में चलेंगे इसलिए बाबा कह रहा है एक बाप से दिल लगाओ पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो और विशेष पवित्र बनकर दिखाओ तो विश्व की बादशाही अवश्य देंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे इस बात को महसूस करेंगे मुझे याद है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे कहते हैं कि संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं कल की मुरली में भी ये बात आई थी अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल बहुत भाई बहनों ने अच्छा चिंतन किया है संडे की अव्यक्त वाणी के ऊपर बहुत खुशी होती है जब चिंतन सुनते हैं बाबा के बच्चों की कमाल है संस्कार विघ्न डालते हैं अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार समझ है लेकिन शक्ति नहीं है जैसे दुनिया में कहते विल इज देर बट पावर इज नॉट देर तो ऐसा क्यों होता है तो बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई हुई है आज के मुरली में बाबा ने वही बात कही है जो अव्यक्त मुरलियों में खुलकर आई है और एक नया शब्द जो साकार मुरलियों में नहीं था जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में इस्तेमाल किया है हमको अभी ये सभी मुरलियाँ एक साथ स्टडी करना पड़ेगा अभी ज्ञान सरोवर माउंट आबू में है तो कल स्पार्क विंग के ऑफिस में गए थे बहुत दिल खुश हुआ जो मेरा बहुत पुराना सपना था वो स्पार्क विंग के भाई बहनों ने पूरा कर दिया बहुत पहले माना 25-30 साल पहले जब स्पार्क विंग शुरुआत हुई थी तो हमारा ये सपना था कि एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बाबा के जो महावाक्य बने हैं उनको निकाल के उसकी किताब बननी चाहिए और कल मैंने जो खजाना देखा स्पार्क विंग के ऑफिस में ऐसे लगा कि सब कुछ छोड़कर यहाँ पर ये किताबें ही पढ़ते रहो एक एक टॉपिक बाबा की मुरलियों का संकलन है स्पेसिफिक टॉपिक तो कभी माउंट अबू आए या मधुबन आए तो स्पार्क विंग के ऑफिस में ये सब किताबें उठा लेनी चाहिए ये खजाना है जो बाबा ने अलग अलग मुरलियों में सुनाया उसको एक जगह पर लाके रखना ताकि आपकी उसमें मास्टरी हो जाए मुझे याद आ रहा है मैं गुजरात में था नाइनटी सिक्स सेवन में तो वहाँ पर हमारे आदरणीय जगदीश भाई आए थे और आदरणीय जगदीश भाई जी ने ब्राह्मणों का क्लास किया था तब उसमें उन्होंने कहा था जैसे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसे हमको भी किसी एक का स्पेशलिस्ट होना है इंसिडेंटली मैं भूल गया कि आज डॉक्टर्स डे है एक जुलाई विधान चंद्र रॉय जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शायद और बहुत सेवा उन्होंने किया जिसके वजह से नेशनल अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर बी सी राय अवार्ड और उनके यादगार में ये दिन मनाया जाता है पूरे भारत में बाबा के बच्चे हैं डॉक्टर अशोक मेहता इनको ये नेशनल अवार्ड मिला हुआ है बहुत लकी आत्मा है तो ये डॉक्टर्स डे पर हम सभी डॉक्टर्स को शुभ भावना देंगे क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है बाबा ने हर वर्ग के लिए मुरली चलाई है उसमें मेडिकल विंग के डॉक्टर्स के लिए बाबा ने खास कहा है कि आगे चलकर या फेल हो जाएंगे अभी हमने कोविड में ये बात देखी देखो कोविड वायरस इन्फेक्शन था और वायरस के लिए एलोपैथी के पास कोई दवाई नहीं है हालांकि दो तीन दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं एसाइक्लोवीर नाम की एंटीवायरल, लेकिन वो अगर अर्ली स्टेज में देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है पर बाय द टाइम आपको पता चलता है वायरल है तब तक उनका मल्टीप्लिकेशन हो चुका रहता है तो वायरस को ख़त्म करने की कोई दवाई नहीं वायरस के वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसके लिए एंटीबायोटिक्स है लेकिन कोविड में हमने देखा कि हमारे पास कोई दवाई नहीं थी सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कोई जिंक दे रहा है कोई क्या दे रहा है एक तो रेमडेसिविर करके आया था इंजेक्शन जो कि सात आठ हजार रुपए का लेकिन उसका भी ब्लैक मार्केट होने लगा तीस हजार के तो और लास्ट में ये भी पता चला कि वो इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा है है तो अल्टीमेटली जो काम किया वो एक साथ इस टीम और एक पर्टिकुलर पोस्चर प्रोन पोस्चर माना छाती के ऊपर उल्टा सोना और इम्यूनिटी तो बेसिक बातें ही काम में आई प्रतिकार शक्ति तो बाबा ने ये पहले ही कहा था कि आगे चलकर या फेल होने वाली है एलोपैथी में हमने देखा कि एंटीबायोटिक दे डे बाय हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है रेजिस्टेंस माना हुआ एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया भाव नहीं दे रहे हैं। मैं इसके ऊपर फार्मा इंडस्ट्री में फुल डे का सेशन लेता था बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के ऊपर कि कितने चालाक होते हैं ये बैक्टीरिया आप जैसे ही आप एंटीबायोटिक लॉन्च करते हैं तो उसको खत्म करने के लिए ये अपनी तरफ से ऐसे पदार्थ निर्माण करते हैं जिसको हम ESBL कहते थे ये टेक्निकल शब्द है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज ये एंजाइम्स है बैक्टीरिया रिलीज करते थे माना नेचर में ऐसी व्यवस्था है कि हर एक जीव अपने को बचाने की कोशिश करता है और ये इंटेलिजेंट बैक्टीरिया ये सब करते हैं तो बाबा ने कहा था उस समय आप किसी को बाबा की याद में दृष्टि देंगे और वो ठीक हो जाएंगे अभी आप सोचो इसके ऊपर चिंतन करो कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है कि लास्ट में क्या होने वाला है तो डॉक्टर्स का रोल बहुत होगा बाबा ने कहा कि आगे चलकर हॉस्पिटल में भी कोई जा नहीं पाएगा और आपके आगे लंबी लाइन लगेगी ऐसे बाबा ने कहा कि दृष्टि लेने के लिए लाइन लगेगी आज अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बोलने के बाद मैं देख रहा हूँ हर एक के कितने प्रॉब्लम है हर एक के जीवन में कितने प्रॉब्लम है जब मैं इनकी समस्याओं को सुनता हूं तब पता चलता है कि बाबा ने हमको कितना सुखी रखा हुआ है हम तो बाबा के याद में और उसके प्यार में प्राप्तियों में खोए रहते हैं कल पांडव भवन जाके योग किया इतनी श्रेष्ठ प्रेरणाएं बाबा के कमरे में मिलती है तो हम बहुत लकी है कि बाबा हमको यूज कर रहा है और मैं डॉक्टर स्टे पर बाबा के बच्चों को भी बधाई दूंगा क्योंकि जो काम जिस्मानी डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो रूहानी डॉक्टर कर रहे हैं हमारे बाबा के बच्चे जो है जो कि योगी बच्चे हैं उनके वाइब्रेशन ही लोगों को ठीक कर रहे हैं और ये समय भी आएगा जब हॉस्पिटल जा नहीं पाएंगे दवा खाने में जा नहीं पाएंगे तो बाबा के बच्चे अपने योग की पावर से बीमारियों को ठीक करेंगे बाबा ने तो कहा हुआ है अभी समय की बलि आ रही है हमको ये सीन भी ड्रामा में देखना है तो विशेष आज एक जुलाई डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को सभी पैथी के डॉक्टर्स को फिर वो एलोपैथी हो आयुर्वेदा होम्योपैथी नेचुरोपैथी या फिर सिद्धा ये सभी पैथी जो भी है जो भी लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं मैं उन सबको डॉक्टर समझता हूँ क्योंकि एक तन की बीमारी होती है एक मन की बीमारी होती है तो ऐसे सभी डॉक्टर्स को क्योंकि ऐसे लोग भी मैंने देखे जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो लोगों का दुख दूर कर रहे हैं तो ये भी डॉक्टर्स ही कहेंगे तो ज्यादा करके हम देख रहे तन से ज्यादा मन की बीमारियां बढ़ते जा रही है तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है तो सबको बहुत सारी दुआएं ढेर सारी शुभकामनाएं कि शिव बाबा आप लोगों के द्वारा इस दुनिया में जो भी दुख फैला हुआ है उसको दूर करें आज बाबा ने ये भी कहा है कि ऐसे ऐसे, ऐसे बॉम्ब बन रहे हैं आज बाबा ने हिरोशिमा को भी याद किया कि वो बॉम्ब जब फटा था तो उसके अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं ऐसे बाबा ने कहा था आप ये रेफरेंस कर सकते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था थर्टी नाइन से फोटी फोर के बीच में और ये मुरली सिक्सटी नाइन के पहले की है माना आप देख सकते हैं कि पच्चीस साल में भी वो पेशेंट थे जिनको हॉस्पिटल में रखा हुआ था ये आफ्टर इफेक्ट्स है न्यूक्लियर बॉम्ब का जो कई सालों तक रेडिएशन चलता रहता है अभी तो बाबा ने ऐसे कहा है बाबा तो जानी जानन जाना आ रहा है आगे क्या होने वाला है बाबा ने पहले ही कहा कि आगे चलकर ऐसे बॉम्ब भरेंगे जो तड़पेंगे नहीं वो फट से खत्म हो जाएंगे और साथ में बाबा ने अर्थक्वेक को भी याद किया कि दब जाएंगे तड़पेंगे नहीं फट से शरीर छोड़ देंगे तो ये सब तैयारी हो रही है तो हमको भी तैयार होना है मूल बात के ऊपर आते हैं कि बाबा ने जो आज कहा है कि घर चलना है आज के मुरली अगर एक शब्द में एक वाक्य में आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा आप घर जाना है पूरी मुरली में बाबा यही कह रहा है कि आपको शांति धाम पावन आत्माओं के घर चलना है तो संपूर्ण पावन बनो क्योंकि शांति धाम में अपवित्र आत्माएं जा नहीं सकती है आपको शांति धाम जाना है तो पवित्र बनना ही पड़ेगा देर इज नो अदर ऑप्शन और पवित्र बनने के दो तरीके बाबा ने बताए हैं पहले भी मुरलियों में बताया तो प्यार से या तो मार से लेके तो जाना ही है ये एक मात पिता जैसे अपने बच्चों से बात करते हैं वैसे बाबा कह रहा है जैसे लौकिक में मात पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे चलो अंधेरा हो गया चलो लेकिन वो बच्चा खेलने में इतना बिजी होता है कि उसको शुदबुद नहीं रहती कि अंधेरे में मैं गिर सकता हूँ मेरे को चोट लग सकती है तो पहले तो माँ बाप प्यार से समझाते हैं लेकिन जब वो नहीं समझता है तो आखिर में मारते हुए भी उसको घर में लेके जाते हैं यही कुछ बात हम आत्माओं के साथ भी होने वाली है या तो प्यार से बाबा की श्रीमत पर चलकर जैसे बाबा कह रहा है कि ममत्व ममत्व न रख के बाबा को याद करना है क्योंकि पूरी भगवत गीता जो है वो ममता से समता की ओर की यात्रा है अर्जुन के दुख का कारण है ममता ममत्व या मेरापन बाबा की भाषा में और योगी जो होता है वो समत्व भाव में रहता है दूसरा अध्याय का श्लोक हम सब जानते हैं समत्वम योग उच्चते तो ममता से समता की ओर की यात्रा है तो ममत्व जब तक नहीं मिटा है कुछ नहीं हो सकता आज तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा लेकिन भगवान है तो भगवान ने आज मुरली में ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि यहाँ पर बाबा के सामने आए तो बहुत नशे में जाते हैं नशा चढ़ता है लेकिन जब घर जाते हैं तो बाबा ने कहा घर जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं अब स्त्री आदि में कौन कौन आते हैं बाबा के शब्द को नहीं पकड़ना है क्या कि मुझे ये भी पसंद नहीं है कि जो हमारा सेवन डेज कोर्स है उसमें काम विकार के लिए स्त्री का चेहरा बताया हुआ है जबकि विकार दोनों में होता है पुरुषों में भी होता है तो स्त्रियों में भी होता है लेकिन ये मान्यता है तो उस अनुसार बाबा ने आज कहा कि स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है स्त्री आदि में बच्चे भी आ गए और भी कोई रिश्ता होगा किसी में भी मोह जा सकता है तो जैसे लौकिक भगवत गीता में परमात्मा ने अर्जुन का मोह परास्त किया अर्जुन को एक ही प्रॉब्लम था कि मोह मोह का आवरण उसकी बुद्धि के ऊपर चढ़ गया इसके वजह से वो गलित गात्र हो गया उसका शरीर कापने लगा और वो निराश हो गया तो बाबा भी वही कह रहे है कि बीच को ही बता रहे है कि घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते ही माया खा जाती है बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो क्योंकि जो कुछ भी है सब खत्म होना है तो चेक करेंगे इसमें बाबा के भाव को पकड़ना है कि कोई देहदारी हमको खींचना नहीं चाहिए मेरे पास कितने केसेस है किसी का अपने माँ बाप में बुद्धि जाता है किसी का दोस्ती बाबा ने क्या क्या कहा है दो बहनों का आपस में प्यार हो जाता है भाइयों का आपस में प्यार हो जाता है किसी का भी किसी में प्यार हो सकता है कलयुग का अंतिम समय है हम समझ सकते हैं कि आत्मा बिल्कुल खाली हो चुकी है अंदर से बैटरी डिस्चार्ज है तो देहदारियों में या देह के वस्तु में बुद्धि जाएगी और बाबा यही कह रहा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं नहीं तो लास्ट में लास्ट में बाबा ने कहा रोना पीटना पड़ेगा आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बाबा ने कही कि सतयुग में मरने के वक्त डर नहीं लगता है ना रोते हैं बाबा ने देखो कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि वहां विकारी बच्चे नहीं होते रावण राज्य ही नहीं योग बल से सब कुछ होता है तुमको साक्षात्कार होता है कि आप बच्चा बन गर्भ महल में जाना है खुशी से जाते हैं तो मरते समय खुशी से जाते हैं यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं वहां रोने पिटने की बात ही नहीं शरीर तो बदलना जरूर है जैसे सर्प का मिसाल है तो बाबा हमको याद दिला रहा है कि बच्चे एक ऐसा समय था जब मरने के बाद कोई रोता नहीं था आजकल तो मरने के लिए लोगों मरने के बाद लोगों को बुलाया जाता है रोने के लिए पार्टियाँ होती है खास मेरे ख्याल से एक रुदाली करके के मूवी है जिसमें ये बताया हुआ है रोने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कितना रोते चिल्लाते मुझे एक माता मिली थी अभी उसका पति मर के दो साल हो गए अभी भी वो रो रही है आप देखो वो आत्मा तो आगे चली गई लेकिन दो साल तक अभी भी रो रही है वो तो कितना अटैचमेंट रहता है जबकि आत्मा आगे चली गई मैंने पढ़ा है कि कई आदिवासियों में अफ्रीकन जिनको हम बैकवर्ड कहते हैं उनमें कई सारे एडवांस ऐसी पद्धतिया है जो हमको सीख लेनी चाहिए तो कुछ आदिवासियों में ऐसा है जब कोई मरता है तो मरते समय उसके कान में कहते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो हैप्पी जर्नी बॉन वॉयज यहाँ पे तो एक तो मरने नहीं देंगे मैं जब पढ़ रहा था बाबा जिनको सर्वोदया लीडर कहते आचार्य विनोबा भावे जिनको खुद महात्मा गांधी अपना गुरु समझते थे तो उन्होंने कहा कोई मर रहा है तो उनके मुंह में पकड़ पकड़ कर दवाइया ठोसते रहेंगे अभी उसको जाने दो आत्मा को अभी ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो ये आत्माएं ड्रामा को सरेंडर करती है कि जब जानवरों में ऐसा समय आता है तो वो सरेंडर करते हैं ड्रामा को कि अभी मेरे को जाना है लेकिन मनुष्य है जो मरने नहीं देता भारत में तो ये कायदा नहीं है लेकिन कई देशों में ये कायदा है कि अगर कोई मरना चाहता है तो अपनी इच्छा से वो मर सकता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जिसमें रखने के बाद व्यक्ति अपने आप शरीर छोड़ देगा इसके ऊपर मेरे ख्याल से मूवी भी बनी हुई है कहते हैं कि मैं अभी इस शरीर का कोई फायदा नहीं जैसे गर्दन के नीचे पैरालिसिस है अभी वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और देर इज नो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट तो वो शरीर छोड़ना चाहता है क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है लेकिन भारत में ऐसे लोग ऐसे मारने का प्रावधान नहीं है जब तक वो है क्योंकि भारत में शायद कर्मों की गति हो अभी भी मानते हैं कि आत्मा को उस शरीर में रह के अपने जो दुख दर्द है उसको सहन करके ही जाना है जब तक वो होगा नहीं तब तक उसकी सदगति नहीं हो सकती महाभारत में हम सब जानते हैं कि भीष्म पिता महा है ना बणो की शैया पर रहे क्योंकि वो शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे हालांकि उनको इच्छा मरण का वरदान था तो वो उत्तरायन की राह देख रहे थे कि जब सूर्य की राशि बदलेगी तब मैं शरीर छोड़ूंगा ये भगवत गीता में भी आता है आठवें अध्याय में अंत काल स्मरण मुक्ता तो कौन से आ, सूर्य की राशि में शरीर छोड़ेंगे तो सदगति होती है ये सब भारत की फिलासफी है शायद इसीलिए यूथनिजिया जो कहते हैं भारत में अभी तक कायदे से परमिशन नहीं है अगर कोई मरना भी चाहता है तो मरने को नहीं देते हैं ये भी चिंतन का विषय है कहने का भाव है कि वहाँ डर नहीं रहता है जैसे यहाँ पर है वहाँ तो खुशी खुशी समय होने के बाद पूरी आयु करने के बाद में शरीर छोड़ते हैं मुझे एक विशेष बात आज के मुरली में अव्यक्त मुरली की याद आ रही है कि बाबा ने कहा था कि जो बच्चे कहते हैं कि बाबा इतना योग करते हैं सेवा करते हैं मुरली सुनते हैं अमृत वेला करते हैं, फिर भी संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होते हैं ये प्रश्न मुझे भी कई लोग पूछते हैं तो पहली बात कई लोगों को लगता है कि उनका योग अच्छा है लेकिन लगना और होने में बहुत फर्क है क्योंकि जब योग में दिव्य अनुभव होने लगता है तो संस्कार मोल्ड होने ही है अगर संस्कार मोल्ड नहीं हो रहे हैं पुराना संस्कार ऑटो पायलट मोड पे अपने आप काम कर रहा है इसका मतलब योग है लेकिन उसमें इंटेंसिटी नहीं है तीव्रता नहीं है जिसको बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में शब्द इस्तेमाल किया ज्वालामुखी योग अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है इसके ऊपर चिंतन करेंगे भक्ति मार्ग में शब्द इस्तेमाल किया योग अग्नि योग अग्नि बाबा ने यह शब्द इस्तेमाल किया कि योग की अग्नि होती है और ज्वाला होती है अभी इसको हम देखेंगे कि माचिस की तिली अब जलाते हैं तो एक ज्योति होती है एक अग्नि होती है और एक ज्वाला होती है ज्वाला माना बहुत तीव्रता ज्वाला भड़क उठी कहते हैं तो जब हमारे अंदर ये ज्वाला रूप योग होगा तभी हमारे पुराने संस्कार भस्म हो गए और बाबा ने उसके लिए एक वाक्य बताया था वो आज की पूरी मुरली है और वो वाक्य है अब घर जाना है जिस बाबा के बच्चे के अंदर ये निरंतर धुन लगी रहती है कि अब घर जाना है अब घर जाना है अब घर जाना है तो जाना है जब याद रहते तो ऑटोमेटिकली बुद्धि डिटैच हो जाती है भक्ति मार्ग में इसके ऊपर कहानियां बताई हुई है कि जब किसी व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे जीवन में केवल आखिरी सात दिन बचे हुए हैं तो उसने सबसे माफी मांगी और केवल परमात्मा चिंतन में लग गया तब साधु ने उससे पूछा कि सात दिन कैसे रहे तो उसने कहा भगवान के अलावा किसी को भी याद नहीं किया क्योंकि अभी जाना है तो हमको भी ऐसे हमेशा तैयार रहने चाहिए क्योंकि कभी भी अंतिम समय आ सकता है जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आने की गारंटी नहीं है इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना है जो मम्मा का स्लोगन था हर घड़ी अंतिम घड़ी है पवित्र बन के जाना है आज बाबा ने कहा एक जन्म पवित्र रहने से कितना ऊंच पद पाएंगे भले इकट्ठे रहो पति पत्नी लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार हो और सन्यासी को ये दिखाना है तो आपके चरणों में आएंगे हमने कहानी देखी है तो पवित्रता को आज बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराया है कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे एक जन्म पवित्र बनो और दिल केवल एक माशूक से लगाओ इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है अगर इस दुनिया से दिल लगाई तो लास्ट में पश्चाताप करना पड़ेगा केवल पश्चाताप ही नहीं होगा सजा भी होगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा तो तीनों बातें कनेक्टेड है पश्चाताप सजा और पद भ्रष्ट मुझे ये सजा शब्द अच्छा नहीं लगता है सजा के बजाय हम समझ के ऊपर फोकस करें समझ जितनी हमारी समझ बढ़ते जाएगी उतना सजा कम होते जाएगी क्योंकि समझ जितनी बढ़ती है उतना कर्मों के ऊपर अटेंशन जाता है जब मुझे ये पता चलता है कि मैं मन वचन कर्म से किसी को दुख दे रहा हूं तो मेरे पास वो वाइब्रेशन वापिस आने हैं तो मैं कैसे किसी को दुख देने का सोच भी सकता हूँ लेकिन ये समझ चाहिए बहुत गहरी समझ चाहिए रिएक्टिव मोड में नहीं रहना है जैसे जो गुस्सा करने वाले हैं उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा करने के बाद में पश्चाताप होता है तो करने के बाद सोचना माना पश्चाताप आज बाबा ने इसके लिए दो सोल्यूशन बताए है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वरदान में आया है मेरे पास इस समय मूड डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं एलोपैथी में एक बीमारी है जिसका नाम है बायपोलर डिसऑर्डर जिसको पहले मैनिय डिप्रेसिव साइकोसिस कहते हैं एमडीपी आज उसको बाइपोलर कहते हैं माना कभी खुशी कभी गम तो आज बाबा ने मूड़ को एक रस रखने को कहा हुआ है बाबा कह रहे हैं भगवान अविनाशी सर्जन कह रहा है कि बच्चे अगर किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे 21 जन्मों के राजाई में सबसे पहला जन्म ये ईश्वरीय जन्म है अगर इस ईश्वरीय जन्म में हम दुख का अनुभव करते हैं तो हमने पूरी राजा नहीं ली बाबा यही भाव से कहता है सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे बा बी के लाइफ या ब्राह्मण जीवन माना सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड होना चाहिए दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो केयरफुल है वही चेयरफुल है देखो दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं जैसे बाबा कहता है योगी बनो पवित्र बनो या पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे ऐसे चेयरफुल और केयरफुल कितनी सुंदर शब्द है चेयरफुल माना प्रसन्न केयरफुल माना अटेंशन में मैं कहता हूं कि केयरफुल जो रहेंगे वही चेयरफुल होंगे क्योंकि जैसे ही अटेंशन कम हुआ गलती हुई मूड चला गया इसलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे मूड बदलना नहीं चाहिए मूड जब बदलती है तो कहते है आप मुझे एकांत चाहिए मुझे अकेला छोड़ दो कई लोग तो ड्यूटी पे से आने के बाद घर वालों को सीधा वार्निंग देते हैं मैं अभी ड्यूटी पे से आया हूँ मेरा दिमाग मत खाओ माना ड्यूटी पे दिमाग खा चुके हैं लोग दिन भर बैटरी डिस्चार्ज है डिप्लीटेड स्टेट ऑफ एनर्जी कहते हैं तो मूड कब बदलता है बाबा ने कहा जब अकेले होते हैं इसलिए कंबाइंड रूप में रहो जितना बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे कंटिन्यूस एनर्जी आती रहेगी तो मूड बदलेगी नहीं और हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे मुझे ये शब्द बहुत अच्छा है उत्साह को अंग्रेजी में एंथुजियाजम कहते हैं एनथियस एन माना इनसाइड अंदर थियोस माना गॉडली एनर्जी जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है वो हमेशा उत्साह में रहेगा और उत्सव मनाएगा आज के पूरी मुरली में टेखो अगर आप मुझे पूछो तो बाबा ने आज कहा फकीर बनना है फकीर माना मेरा कुछ नहीं है बाप का प्यारा बनना है तो फकीर बनना है देह को भी भूल जाना है पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है ममत्व निकाल देना है देहदारियों से पुरानी दुनिया से पावन शांति धाम में जाना है तो अपने को संपूर्ण पावन करना है बाबा की याद में रहना है पवित्र बनकर दिखाना है तो बाप गारंटी करते हैं कि आपको बगैर सजा खाए मैं लेके जाऊंगा नहीं तो सजा खानी पड़ेगी हमेशा केयरफुल रहना है तो मूड चेयरफुल रहेगा सदा कंबाइंड रहना है और याद और सेवा के उत्साह में रह के सभी का उत्साह बढ़ाना है अच्छा ओम शांति